हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है सो बेसिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन एंड देयर क्लासिफिकेशन सो टुडे आवर दिस वीडियो लेक्चर इज ए पार्ट सेवन वीडियो लेक्चर्स ऑन ए मेडिसिन सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स नाउ यू कैन यूज़ अवर मोबाइल एप्लीकेशन फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले सो जो फार्मारॉक्स के वीडियो लेक्चर्स होते हैं उनके पी डी एप्स एंड पी पी टीज ऑफ लेक्चर यू कैन गेट डायरेक्टली ऑन अवर ऐप फार्मारॉक्स सो रैपिड रिविज़न नोट्स सब्जेक्ट वाइज नोट्स अफोर्डेबल प्राइज़ में आपको मिल जाएंगे फार्मारॉक्स की एप ऊपर सो अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले यू विल ऑल्सो फाइंड द टेस्ट सीरीज़ for GPAT, NIPER, DIN, and Pharmacist exam. So facility is available on our app. Download their PharmaRox Android application on Google Play. Study materials are also available on this app. So must download their PharmaRox Android app on Google Play. So this is our part 7 lecture on a medicines and here is the highlights of this lecture part 7. सो पार्ट सेवन के अंदर हम स्पेशली पढ़ेंगे रिगार्डिंग द ड्रग्स फॉर ए कॉफ सो जो कॉफ होता है हमारे बॉडी के अंदर उसके ट्रीटमेंट के अंदर जो हम अलग अलग मेडिसिन यूज़ करते हैं उनका बेसिक यूज़ हम जानेंगे एंड उनके क्लासिफिकेशन सो एक्सपेक्टोरेंट क्लास की ड्रग्स यूज होती है उसके बाद डिम्यूलसन यूज होते हैं म्यूकोलाइटिक्स एंटीटिवस एंड ब्रोंकोडाइलेटर्स तो ये जो जितने भी क्लास है वो वाइडली यूज होते हैं टू ट्रीट द कफ़ सो कफ़ के ट्रीटमेंट के अंदर ये सब मेडिसिन जो है वो वाइडली यूज होती है और जो कफ है स्पेशली है रिलेटेड टू अवर रेस्पायरेटरी ट्रैक की जो हमारा श्वसन तंत्र जो हम कहते हैं हिंदी के अंदर कि जिससे हम जो है वो सांस लेते हैं तो उसके रिलेटेड जो भी हमारे बॉडी के अंदर मेनली जो कफ़ प्रोड्यूस होता है ओके okay? और जब कफ नॉर्मल कंडीशन में हो तब तक वो ओके okay है बट जब कफ की मात्रा शरीर के अंदर काफ़ी बढ़ जाती है एक्सेसिव कफ हो जाता है तो फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो होते हैं तो उसी के ट्रीटमेंट के अंदर हम ये अलग अलग क्लास के ड्रग्स यूज़ करते हैं लाइक एक्सपेक्टोरेंट हम यूज़ करते हैं डिम्यूलसन म्यूकोलाइटिक्स एंटीटिव एंड ब्रोंकोडाइलिट तो ये सभी ड्रग्स जो है वो यूज़ होती है फॉर कफ सो so, जानते हैं रिगार्डिंग कफ़ uh, तो व्हाट इज कफ़ और कफिंग तो कफिंग इज ए कॉमन रिफ्लेक्स एक्शन दैट क्लियर्स अवर थ्रॉट ऑफ म्यूकस और फॉरेन इरिटेंट्स। तो जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो कफिंग क्या है तो कफिंग इज ए कॉमन रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसी एक रिफ्लेक्स एक्शन होती है कि जब हमारा बॉडी कोई भी स्टिम्यूली के सामने क्या करता है रिएक्शन देता है कि समझो कि हमारे रेस्पायरेटरी ट्रैक ओके कि समझो हमारा ये रेस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर ओ, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स समझो कि अंदर जाते हैं ओके कोई भी फॉरेन इरीटन हमारे रेस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर जाते हैं या फिर हमारे थ्रॉट के अंदर जाते हैं तो हम उसको जो है वो कफिंग के थ्रू इजीली एक्सपेल आउट करते हैं कि हमारे बॉडी में से वो एक्सपेल आउट होते हैं बाय कफिंग तो यह है नॉर्मल रिफ्लेक्स एक्शन बट जब उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो उसके कारण अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि वाइल एवरी वन कफ टू क्लियर देयर थ्रॉट फ्रॉम टाइम टू टाइम अ नंबर ऑफ कंडीशंस कैन कोज मोर फ्रिक्वेंट कफिंग सो नॉर्मल कंडीशन में तो हम कफिंग करते हैं बट अलग अलग जो डिसीज कंडीशन होती है कि लाइक like, समझो कि आपको कोल्ड uh, हुआ है कॉमन कोल्ड जो हम कहते हैं या फिर न्यूमोनिया हुआ है किसी पेशेंट को या फिर अस्थमेटिक पेशेंट है ओके okay, अस्थमा है या फिर किसी को टीबी हुआ है ट्यूबेकुलेसिस तो टीबी में भी पेशेंट के बॉडी में से बहुत सारा कफ़ जो है वो एक्सपेल आउट होता है कफिंग एंड कोल्ड काफ़ी इंक्रीज होते हैं तो जब एबनॉर्मल कंडीशन होती है तब ये कफ़ की जो अमाउंट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर तो उसको रेगुलर करने के लिए हम ये अलग अलग मेडिसिन यूज करते हैं सो अ कफ दैट लास्ट फॉर लेस देन थ्री वीक इज़ ए एक्यूट कफ ओके लेस देन थ्री वीक्स मतलब कि लास्ट अ कफ़ दैट लास्ट फॉर लेस देन थ्री वीक मतलब कि थ्री वीक तक या फिर उससे कम समय तक जो कफ की कंडीशन रहती है उसको हम एक्यूट कफ कहते हैं और उससे भी ज़्यादा फिर लॉन्ग टाइम तक रहता है कफ तो उसको हम कहेंगे क्रोनिक कफ तो ये है रिगार्डिंग द कफ आगे जानते हैं उसके बारे में और डिटेल में कि और प्रोडक्टिव वेट और चेस्टी कफ व्हेन यू ए कफ दैट प्रोड्यूस द म्यूकस और स्पूटम स्पूटम को हम फ्लेमगम फ्लेम भी कहते हैं तो जब हमारी कंडीशन नॉर्मल होती है तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी रेस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं म्यूकस एंड स्पूटम कि जो रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे आ, कोई भी फॉरेन मैटर हमारे बॉडी के अंदर गया है रेस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर या फिर नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी जो हमारे बॉडी के अंदर रेस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर कोई भी ऐसा इरिटेंट सबस्टेंसेज है तो उसको बाहर निकालने के लिए नॉर्मल हम कफिंग करते हैं बट जब उसकी मात्रा इंक्रीज होती है अलग अलग डिसीज के अंदर तो उसको कंट्रोल में रखना जरूरी है सो यू मे फील कंजेस्टेड एंड हैवे रेटी और टाइट चेस्ट कि जब कफ की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज होती है तो क्या कंडीशन होती है कि रेटली फील होता है या फिर टाइट चेस्ट मतलब कि आपको आपकी चेस्ट पर काफ़ी भारीपन जैसा महसूस होगा कि चेस्ट आप चेस्ट ऊपर आपको काफ़ी भारीपन जैसा लग रहा है तो ऐसी कंडीशन होती है कि जब कॉफ़ की मात्रा जो है वो बॉडी के अंदर काफ़ी इंक्रीज होती है सो सिम्टम्स आर ऑफन बॉर्स वैन वेकिंग अप फ्रॉम स्लीप एंड वैन टॉकिंग जब कॉफ़ इंक्रीज होता है कि जब आप वेकिंग अप मतलब सुबह जब आप उठते हो तब आपकी कंडीशन काफ़ी ख़राब रहती है और वैन यू आर टॉकिंग की जब आप किसी के साथ बात करते हो तब भी ये कफ जो है वो कंटिन्यूसली रहेगा कि जिसको हम हिंदी में खांसी कहते हैं ओके okay? कि जब आप बात करते हो किसी के साथ तो भी कंटिन्यूस खांसी आती है तो वो भी एक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि आपके बॉडी के अंदर कफ की मात्रा जो है वो अब बढ़ने लगी है तो उसी के ट्रीटमेंट के अंदर हम अलग अलग मेडिसिन यूज़ करते हैं टू ट्रीट दैट इन्फेक्शन ओके okay, कि जो हम कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन और उससे भी ऊपर हम जाए तो पेशेंट को न्यूमोनिया होता है अस्थमा होता है या फिर जो आगे हमने बात की कि ट्यूबरकुलसिस के अंदर भी जो है वो स्पूटम की मात्रा जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो इसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम अलग अलग यूज़ करते हैं मेडिसिन के ड्रग यूज टू ट्रीट कफिंग तो कफिंग तो को ट्रीट करने के लिए सबसे पहला जो मेन क्लास है वो है फेरेंजियल डिम्युलसेंट्स तो वो क्या है वो जानते हैं बेसिकली अ डिम्युलसेंट इज एन एजेंट देट फॉर्म से सुधिंग फिल्म ओवर ए म्यूकस मेम्बरेन कि जब कंटिन्यूसली कफिंग होता है तो हमारा जो म्यूकस मेम्बरेन होता है रेस्पायरेटरी ट्रैक का वो क्या हो जाता है काफी रफ हो जाता है ओके okay? या फिर वहाँ पर जो हम कहते हैं कि मुँह के अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर रेडनेस पाई जाती है ओके सो so स्पेशली जब कफ एंड कोल्ड जैसा होता है तब स्पेशली जो डॉक्टर्स है वो डायग्नोसिस के लिए आपका जो थ्रॉट का विजुअल विजुअली उसको डायग्नोस करते हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि वहाँ पे रेडनेस हुआ है या नहीं तो जब आप इस टाइप के फेरेंजियल डिम्यूलशंस लेते हैं तो ये मेडिसिन क्या करती है कि वहाँ पर सुधिंग फिल्म सुधिंग फिल्म मतलब कि ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करेगा ओवर ए म्यूकस मेम्ब्रेन एंड रिलीविंग द माइनर पेन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन कि जब हमें कॉमन कॉफ या कोल्ड होता है तब स्पेशली थ्रॉट इन्फेक्शंस जैसा पाया जाता है कि जिसके अंदर बोलने में भी तकलीफ होती है कंटिन्यूस आपको खांसी आती है एंड जो थ्रॉट का जो पोर्सन है वहाँ पे आपको रेडनेस पाया जाता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होता है उसके ऊपर प्रॉपर प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करवाना कि जो धीरे धीरे फिर उसकी ट्रीटमेंट करे तो इसके लिए हम ये फेरेंजियल डिम्यूलसन्स यूज़ करते हैं कि आपने खासकर इस टाइप के लॉजेंसिस एंड कफ ड्रॉप्स यूज़ किए होंगे कि फेमस ब्रांड है ये स्ट्रेपसिल्स कि जो हम यूज़ करते हैं चेस्टी कफ़ के लिए कि जिसके अंदर मेन मेडिसिन होती है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड तो ये जो लॉजेंजेस होती है स्पेशली फेरेंजल डिम्युलस के तौर पे काम करती है कफ़ ड्रॉप्स भी अवेलेबल होते हैं कि जो हम एज अ डिम्युलसें यूज़ करते हैं उसके बाद लिंटस इस, कंटेनिंग सिरप काफ़ी अलग अलग कफ सीरप आते हैं एंड लिंटस होते हैं कि जो हम कहते हैं उसको कॉफ के ट्रीटमेंट के अंदर खास यूज़ करते हैं फिर ग्लिसरीन भी यूज़ होता है एंड ल्यूकोराइस ल्यूकोराइस की जो हर्बल ड्रग है ग्लिसराइजा ग्लेबरा वो भी बहुत ही यूज़ की जाती है टू तो ट्रीट कॉफिंग तो ये क्लास हो गया फेरेंजियल डिम्यूलशंस का ये आपको याद रखना कि ये जो है बेसिक यूज़ होता है ओके okay, कि जब आपको कफ़ होता है तो आप नॉर्मली विदाउट टेकिंग एनी हायर मेडिसिन बाई यूजिंग दिस नॉर्मल लिंकटस कंटेनिंग सिरप लॉजेंजिस और कफ़ ड्रॉप किए जो स्ट्रेप्सिल्स वगैरह हम देखे देखते हैं ओके okay, फिर विक्स, का विक्स के भी एक टाइप विक्स के भी कफ ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर लॉजेंजिस अवेलेबल होती है तो वो आप यूज़ करते हैं नॉर्मल लिक्वाइस भी डायरेक्टली आप ले लोगे तो भी इसमें से आपको काफ़ी जो है वो रिलीफ मिलता है तो ये होगा स्टार्टिंग अब समझो कि कंडीशंस और ज़्यादा खराब हो रही है तो सेकंड क्लास जो है उसका कि एक्सपेक्टोरेंट एंड म्यूको काइनेटिक्स वो मेडिसिन हम यूज करते हैं तो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या है तो एक्सपेक्टोरेंट्स इंक्रीज द एयरवे वाटर और द वॉल्यूम ऑफ एयरवे वे ओके okay, अब देखो कि जब आपको कफिंग होता है तो स्पेशली वो अफ़ेक्ट करता है हमारे नोज़ ऊपर ओके okay, कि नज़ल ब्लॉक हो जाता है कई बार नज़ल ब्लॉकिंग ओके okay, कि जब कफ़ एंड कोल्ड होता है तब नजल ब्लॉकिंग खास रहता है और जिसके कारण एयरवे जो है वो अच्छे से पास नहीं होता ओके okay, सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है तो उस वक्त ज़रूरी होता है कि एयरवे uh, सिक्रेशंस काफ़ी इंक्रीज करवाना इंक्रीज द एयरवे वाटर और वॉल्यूम ऑफ द एयरवे सिक्रेशंस के जिसके कारण जो भी पेशेंट है वो अच्छे से सांस ले सके ब्रीथिंग कर सके तो उसके लिए जरूरी होती है ये एक्सपेक्टोरेंट मेडिसंस सेकेंड है म्यूकोलाइटिक्स म्यूकोलाइटिक्स क्या करती है थीन रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस कि जब म्यूकस काफ़ी uh, विस्कस होता है तब पेशेंट को बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है कि ब्रीथिंग के अंदर डिफ़िकल्टी होती है फिर ये एयरवे अच्छे से फिर पास नहीं होता और उसको बॉडी में से एक्सपेल आउट करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है कि जब विस्कोसिटी काफ़ी हाई होती है तो एक्सपेल आउट करवाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है जो भी पेशेंट होता है उसको तो म्यूकोलाइटिक ड्रग्स क्या करेगी तो ये जो म्यूकस होता है कफ़ होता है उसकी विस्कोसिटी जो है वो रिड्यूस करेगी कि जिसके कारण एक्सपेल आउट करवाना काफ़ी हो जाए इजी इसके अलावा एक और थर्ड क्लास है वो है म्यूकोकाइनेटिक्स वो क्या करेगी इंक्रीज ट्रांसपोर्टेबिलिटी ऑफ म्यूकस बाय कफ काइनेटिक मतलब कि क्या प्रोवाइड करेगा गति हिंदी में कहे तो गति प्रोवाइड करेगा गति मतलब कि काइनेटिक जो भी मोशन है इन इंग्लिश में कहे तो मोशन ओके वेलोसिटी, तो इंक्रीज द ट्रांसपोर्टेबिलिटी ऑफ म्यूकस बाय कफ़ कि जो म्यूकस है वो अब आपके जो लंग्स के अंदर है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर है तो वो क्या करेगा ट्रांसपोर्ट करके बाहर आने का ट्राई करेगा ओके okay? तो कंटिन्यूसली जो है वो कफ जो है वो आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाएगा तो वो काम करते हैं म्यूकोकाइनेटिक्स एंड नेक्स्ट है म्यूको रेगुलेटर्स सप्रेस द अंडरलाइंग मेकेज़म ऑफ म्यूकस हाइपरसिक्रेशन कि म्यूकस का जो हाइपर सिक्रेशंस होता है उसके अलग अलग मेकेनिज्म से उसको सप्रेस करता है कि जिससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिले तो ये क्लास की मेडिसिन बहुत ही यूजफुल होती है कि जब कफिंग एंड कोल्ड बहुत ही इंक्रीज हो जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले है एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोलाइटिक्स के अंदर ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहांसर ओके कि जो हमारा ब्रोंकियल सिक्रेशंस को एनहांस करने वाली ड्रग्स है कि वाइडली यूज होते हैं ड्रग्स सोडियम एंड पोटेशियम साइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड गोए काफ़ी फेमस है ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो अलग अलग कफ़ सिरप्स होती है उसके अंदर ये काफ़ी फेमस uh, इंग्रेडिएंट है आपने कई बार देखा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो आपके गुए फेंसाइन सिरप तो वो है केमिकली ग्लिसल गुए कोलेट तो वो आपको याद रखना है गुए फेंसिन ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहांस करने वाली ड्रग है ओके ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहांसर उसके बाद है बाल्सम ऑफ टोलो यूज होता है हर्बल में से फिर वसा का काफ़ी फेमस है कि वसाका को हम एंटीटर्सिव ड्रग कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोलाइटिक्स या फिर ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहांसर ड्रग तो आधा थोड़ा वसी का एक फैमिली एकांथा से वो काफ़ी फाइडली यूज़ होती है हर्बल ड्रग्स के अंदर एन एमोनियम क्लोराइड तो ये होगा एक्सपेक्टोरेंट एंड म्यूकोकाइनेटिक्स में से ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहांसर ड्रग्स आगे जो नेक्स्ट क्लास है वो हम जानते हैं वो है सेकंड म्यूकोलाइटिक्स तो म्यूकोलाइटिक्स के अंदर ब्रोमहेक्जीन सेकेंड है एम्ब्रोक्सोल एंड थर्ड है कार्बोसिस्टिन। तो ये जो तीन मेडिसिन वाइडली यूज होती है एज ए म्यूकोलाइटिक ब्रोम के स्किक ऑफ सिरप आर्गेट में अवेलेबल है एम्ब्रोक्सोल आप यहाँ पे देख सकते हो एम्ब्रोक्सोल एच सी एल सल्फेट एंड गुएफेंसाइन सिरप एम्ब्रोक्सोल एंड कार्बोसिस्टिन एंड सेकेंड इज़ दे एसिटाइल सिस्टीन तो ये है म्यूकोलाइटिक्स ड्रग्स और मेनली एज अ सीरप काफ़ी वाइडली यूज होती है अलग अलग जो हम कॉफ सिरप्स यूज करते हैं उसके ये मेन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं थर्ड जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट कास्ट है वो है एंटीटॉसि कि वो क्या करते हैं कफ़ सेंटर सप्रेसेंट्स कि जो कफ के सेंटर है उसको सप्रेस करता है तो वो है फर्स्ट क्लास वो है ओपियोइड्स तो ओपियोड्स के अंदर कोडीन वाइडली यूज होता है फॉल कोडिन एंड इथाइल मॉर्फिन तो ये है ओपियोइ्स ड्रग ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोडिन फॉस्पेट कफ सिरप काफ़ी वाइडली यूज़ करते हैं लोग एज अ एंटीटॉसिक वो क्या करती है कफ सेंटर्स को सप्रेस कर देती है कि जिसके कारण जो है वो कफ़ की मात्रा धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर रिड्यूस होने लगती है और धीरे धीरे उसकी ट्रीटमेंट जो है वो हो जाती है सेकंड है वो है नॉन ओप्योडस कि जिसके अंदर नॉस केपिन वाइड ल्यूज होता है डेक्स्ट्रोमिथोरफान एंड क्लोफिड डायनॉल तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी पी एम मतलब कि क्लोरफिनारेमाइन मैलेट उसके बाद है डेक्स्ट्रोमिथोरफान कफ सिरप कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लंग्स का डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है बिकॉज दे आर यूज टू ट्रीट द कफिंग कि हमारे लंग्स के अंदर रेस्पैड ट्रैक के अंदर जितना भी कफ प्रेजेंट होता है उसको हम हाँ ट्रीट करते कि कफ सेंटर सप्रेसेंट है नॉन ओपियोड क्लास की नेक्स्ट है वो है आ, एंटी हिस्टेमाइंस की जो यूज होती है ट्रीटमेंट ऑफ कफ़ के अंदर तो क्लोरफिनारेमाइन ड्रग है डाइफिन हाइड्रेमाइन एंड प्रोमेथाजीन तो ये एंटीहिस्टिमाइंट्स भी हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट कफिंग तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कफ सिरप के अंदर क्लोरफिनाइरेमाइन ड्रग प्रेजेंट है कि जो और डाइफिन हाइड्रेमाइन ये दोनों मेडिसिन यू प्रेजेंट है कि जो यूज होती है एज अ एक्सपेक्टोरेंट एंटीटिव कि जो कफ सेंटर सपरेशन उसका मेन क्लास है नेक्स्ट है वो है एड्जुन adju, एंटीटिवस तो एडोट एंटी टसिवस के अंदर भ्रोंको डाइलेटर्स यूज़ होते हैं कि लाइक साल एंड टर्ब्यूटालिन तो ये आप देख सकते हो कफ सिरप की जिसके अंदर मेन साल टर्ब्यूटालिन की कफ सिरप काफ़ी वाइडली यूज़ होती है टू तो ट्रीट द कफ तो ये थे हमारा बेसिक लेक्चर मेनली ऑन ए कफिंग की कफिंग की ट्रीटमेंट के अंदर जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसके बारे में हमने पार्ट सेवन के अंदर डिटेल में पढ़ा जो पार्ट वन टू सिक्स है सभी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है नाव यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप बाय सेंड योर नेम एंड सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मिस्टर अमर रावल ऑनर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ऑक्स द वे ऑफ सक्सेस ऑन हिज व्हाट्सएप नंबर नाइन जीरो वन सिक्स थ्री वन टू जीरो टू जीरो सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट